रही हूँ बाथ लेके नहा के, और मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है, इतना ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली मैंने अपने कुछ पहले वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना जो सोप है वो चेंज किया है। बेटा पानी पीना है। अब पहले आप इधर आओ, आप सबको बताओ कि आप अपने बाल मम्मा से क्यों नहीं बनवाते। सब मम्मा को बोलते हैं। हेलो गाइस, से क्या होता है? तो धनवी ना क्लिप वो बैंड लगवाती ही नहीं है, और मैं जबरदस्ती लगा भी दूं तो वो फेंक देती है निकाल के। सो गाइस, मैंने बताया था ना कि मैंने चेंज किया है अपना सोप, और मैं यूज़ कर रही हूँ मम्मा अर्थ का उपटन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। जी हाँ, इसको आप फेस पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आएगी ना, आपको इतना फ्रेश फील होगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ में जो बॉडी है वो बहुत चिप 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 होने लग जाती है, तो आपको ज़रूरत है अच्छे सोप यूज़ करने का। सो मेरे पास दो अलग अलग रेंज है। अभी मैं उपटन वाला यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले जो मैंने रेंज यूज़ किया था उसमें से बिल्कुल सिर्फ दो बचा हुआ है, बाकी मैंने यूज़ कर लिया है ये विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। चलिए इसको लगाते लगाते इसके बारे की अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ममार्थ का उपटन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। इसमें टर्मरिक और सैंडलवुड है, मेड सेफ है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन है, मतलब बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। टर्मरिक जो होता है वो रिवाइव करता है नेचुरल ग्लो, और जो सैंडलवुड होता है वो सूथ करता है स्किन को, एंड इंटेंसली मॉइस्चराइज भी करता है। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ममार्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। इसमें है विटामिन सी एंड हनी, और आपको पता ही है विटामिन सी ब्राइटन करता है आपके स्किन को, और हनी होता है वो नरिश करता है आपके स्किन को। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपना फेस वॉश करके। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप फेस पे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। डीपली क्लीन कर देता है, इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है, एंड 4 का पैक आएगा, और स्किन इल्यूमिनेशन के लिए बेस्ट है, 4 टैन रिमूवल के लिए बेस्ट है। तो बहुत अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है, नेचुरल हर्ब्स को यूज़ करके बनाया गया है। 396 रुपीज़ में आपको 4 पैक मिलता है। सो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। आप देखो, जब भी हम नॉर्मली कोई दूसरा सोप लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, बट जब आप इस सोप को लगाओगे तो आपको बहुत मॉइस्चराइज करेगा आपके फेस को, मतलब बहुत आपको अच्छा अच्छा फील होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा। सो मैंने इसकी सारी डिटेल्स बता दी, आप अमेजोन नायका फ्लिपकार्ट से देख सकते हो, और साथ में आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी चीज़, ममार्थ के प्लांट ग्रूमिंग इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। जब भी आप ममार्थ से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं अपने, तो आप ममार्थ ना आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक करते हैं जो कि प्लान करते हैं आपके बिहाफ पे, तो है ना अमेजिंग डील। और ममार्थ के आप देखोगे ना तो आपको घर के आसपास अब ममार्थ के स्टोर्स भी नजर आएंगे, और 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का ममार्थ का एम है। और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, और मुझे आज करना है बहुत सारा वीडियो शूट, वो कर लेती हूँ, एंड देखते हैं क्या क्या होता है। बाल भी गीले हैं क्योंकि हेयर वॉश किया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह किचन का हाल देखो, ऐसे अफरा तफरी मची रहती है ना कि बस पूछो मत। सुबह सुबह मैं देखती हूँ क्या क्या नहीं है किचन में, और जो जो नहीं होता है सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ब्लैंकेट करती हूँ। जब से ब्लैंकेट आया है आधी से ज़्यादा चीज़ें ईजी हो गई है, मतलब सुबह उठो कोई भी मिर्च मसाला, मतलब कोई भी घर का आइटम, किचन का आइटम नहीं होता है तो वो मैं मंगाती हूँ। यहाँ मैं लंच पैक कर रही हूँ, लंच के लिए बना रही हूँ रायता। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो सब्ज़ी बन गई है, मैंगो शेक बनाया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं रायता बना रही थी। आप लोग ये डब्बे वगैरह में देखते हो ना, तो ये मसाले का ना पैक ऐसा होता है। अब ये मसाले कौन से डब्बे में करके अलग से रखा जाए, और अगर रख भी देंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा मसाला है। इस तरीके से डब्बे में होता है तो पता चलता है कि कौन कौन सा मसाला है। फिर जब पतिदेव का लंच पैक कर दिया और मम्मी और पतिदेव दोनों जने चले गए, मम्मी गई हैं मामा जी के यहाँ। अभी आजकल देख रहे हैं एक दो डॉक्टर से और दिखाया है, 2-3 लोगों का राय लिया है, सलाह लेंगे, उसके बाद देखेंगे किस डिसीजन पे पहुँचना है। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी धनी को स्कूल के लिए रेडी,
मैं धनवी को रेडी कर देती हूँ, उसका मतलब लंच बैग सब रेडी करके फिर मैं नहाने जाती हूँ। यहाँ मेरी बेटी बहुत प्यारी सी लग रही थी। और पीछे जाओ, ठीक है। लगला है धनी, दिखाओ क्या पहने हो धनी। ओए होए, आज तो धनी शब्द को फेल कर देगा स्कूल में। ये घूम रहा है ना धनी, धनी दिखाना कैसे लग रहा है। आओ ना, मतलब 10 मिनट पहले लेके निकली हूँ फिर भी इतना लेट कर देगी ये मेरी बेटी। मैं कभी नहीं चाहती कि धनवी स्कूल लेट जाए। कल 1 मिनट 2 मिनट लेट गई थी, आज मैं एकदम टाइम पे मैं नहा वहा ली। वो है ना पैदल का डिस्टेंस है तो फिर ऐसे ही भाई रात के कपड़ों में जाने में अजीब लगता है, तो इसलिए मैं नहा लेती हूँ। रोज़ नहीं नहा पाती हूँ बट कोशिश करती हूँ कि नहा लूँ। आज नहा ली और रवीना को भी साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि ना धनवी गोदी चढ़ती है तो थोड़ा वो हो जाता है, तो थोड़ी देर वो कर लेंगे। आने पे यहीं उतरोगी या अंदर? ज्यादा अंदर नहीं है। और बोलो कैसे हो? मैं स्कूल जा रही हूँ। तेज बोलो, तेज जो साफ़ सफाई था वो करके सो गई थी। मुझे ना इतनी नींद आ रही है आजकल, आलस भरा दिन हो रहा है। चुन्नी ठीक से कर लो, इसलिए कि पता नहीं क्यों मतलब बहुत नींद आ रही है। अभी मैं जा रही हूँ धनवी को लेने, 12:30 बजे होती है उसकी छुट्टी, तो धनवी को लेके और मैं रवीना का आज हेयर कट करा लेना। अच्छे से सेट करा लो बाल, कराओगे? बताओ तुम्हारी नहीं बढ़ा ना थोड़ा सा ना, अच्छे से सेट करा लो है ना, ज्यादा कटिंग मत कटाना बस थोड़ा सेट करा लो, ऐसे मुंह पे रहता है ना अजीब सा लगता है। कराओगी? मम्मी डांटेंगे तो नहीं? मेरे को मत बोलना कि फिर भाभी ने जबरदस्ती बोला। ठीक है करा लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सेट करा लोगी तो ठीक है। एंड गाइस रवीना ने ये कितनी अच्छी चीज़ सिखाई है धनवी को। धनवी कैसे तुमसे दूध मांग के पीती है रवीना? चॉकलेट वाले दूध। रवीना ना बाबू को दूध देती है, जैसे होता है ना कि मतलब अब आदत हो गई है तो बाबू को दूध देती है रवीना, तो उसी टाइम पे ना धनवी को भी इसने कल 1 गिलास दूध दे दिया था। कल नहीं 2-3 दिन से अब वो पी ले रही है, वरना उसको दूध पिलाने में तो इतना पटका पटकी करती हूँ मैं तब जाके वो पीती है, वरना दूध से उसको बहुत नफरत। मुझे है, मैं हमारे घर में सब लोग रात को 1 गिलास दूध लेते हैं, कोई हल्दी वाला लेता है, कोई बॉर्नविटा डाल के, मतलब सब पूरा परिवार सब लेते हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मैं मुझे दूध से बड़ी नफरत है। सुबह बनाना शेक भी बनता है हमारे घर पे, लेकिन वो भी मैं नहीं पी सकती हूँ, इसीलिए मेरी ये हालत है, इसीलिए मेरे शरीर में जान नहीं दिखती आप लोगों, क्योंकि मेरे को ना खाने को लेके मैं थोड़ा सा वो हूँ, मुँह बनाती हूँ, वैसी चीज़ें खा लेती हूँ बाहर के, लेकिन जो वैसे चीज़ होती है ना दूध दही ये सब नहीं खाया जाता मुझसे, इसीलिए मेरा वेट भी गेन नहीं होता। कोई नहीं,
के गन्ने का जूस। रवि ना नहीं पीती है लेकिन मैं इसको जबरदस्ती पिला रही हूँ, अकेले भी पीऊंगी, नींद भगाऊंगी मैं अपनी। अब घर पे चल करना है बहुत सारा काम, कोलैबोरेशन। क्या करना है आपको, क्या करना है, मेहंदी लगवाना है, मेहंदी। भगवान दीदी परेशान करती है ना, करती है। अब धनवान दीदी को टकला कराते हैं, ओके। अब क्या होगा, वाली दीदी के सेट भी है जाएगी। मैं लाऊंगी, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे। धनवी आ जाओ, धनवी इधर आ जाओ, वाली दीदी का कटिंग हो जाए। जल्दी है, जल्दी आ बेटा, लेट हो रहा है, मुझे काम है, जल्दी आओ। वाणी दीदी टकली हो रही है और टकली हो रही है, धर्मी था वाणी दीदी के लिए रो रही है। धर्मी तो दिखाओ, इधर दिखाओ। अच्छा वाणी दीदी टकली हो रही है, देख लो धर्मी, रवि ना धर्मी तुम्हारे लिए रो रही है। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, रहे। हाँ कैसा लग रहा है रवीना, ये तो देखो मुंह इधर करना। नहीं इसको पूरे बाल इसके हटाए थे, इनके यहाँ कुछ होता होगा। ओके क्या होता है रवीना तुम्हारे यहाँ, धनवी देखो बंद है, क्लोज लिखा है ना, क्लोज है। टूटने वाला बेटा नहीं, वो तो छोड़ना है, नहीं ये टूट जाएगा, आप छोड़ लो मम्मी, इधर तो छोड़ो। हाँ बोलो छोड़ा, और कुछ नहीं, बस एक एक बस एक कोई सा कुछ, मैंने अपनी ये।
वो रख दो, वो रख दो, कोई भी एक चीज लेना आपको। बाहरी से बाहर रवीना के बाल कट के, कुछ खास चेंजेस लग नहीं रहे रवीना के, यहाँ से लग रहे हैं क्योंकि आगे से ना ज्यादा छोटे नहीं कराए क्योंकि डांट पड़ती है ना रवीना। रवीना की मम्मी ने कहा था पढ़ाने के लिए तो आगे से ज्यादा नहीं कराया, पीछे से पता नहीं कौन से कटिंग कह रहे थे कटिंग किया है, ऐसे क्लचर लगाएगी तो अच्छा लगेगा, ये करेगी तो अच्छा लगेगा। और अभी 1:30 बज गया, हमें घर आते थे राइट पे जा रहे हैं, आज सोचा था यूट्यूब का बहुत सारा काम करने का लेकिन कहाँ ही हो पाया, हमें इसी में 1:30 बज गए। लेकिन अभी जाके थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर मैं करूँगी अपना काम। बस भैया यहीं पर।